रेहोबोत स्कूल ऑफ प्रॉफिट से आप सबको ग्रीटिंग्स। और आज हम तरसुस के सॉल के उद्धार के बारे में वचन से देखेंगे, जिसको हम पौलुस प्रेरित कहते हैं और जिसको प्रभु ने बहुत उपयोग किया। और उसने अपना सब कुछ प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए दे दिया। हम पौलुस के बारे में जानते हैं कि वो कलीसिया का सताने वाला था, और वचन बताता है कि उसने किस प्रकार से विश्वासियों को और कलीसिया को सताया। अगर हम गहराई से कुछ आयते प्रेरितों के काम से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि काफी क्रूरता से पौलुस ने विश्वासियों को अपने उद्धार से पहले सताया। जो मुख्य वचन आज के मनन के लिए हम देखेंगे, टेक्स्ट जिसे कहेंगे या वचन कहेंगे बाइबल से, वो प्रेरितों के काम 9:5 थे, जिसमें लिखा है, और उसने कहा, तू कौन है प्रभु? और प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. तो ये शब्द पौलुस ने जब वो भूमि पर गिरा, उसने प्रभु से पूछे। उसको मालूम था कि ये जो घटना हुई है, ये उस परमेश्वर की ओर से है, ये आवाज जो है वो उस परमेश्वर की है जिसका वो खोजी था। उसको तभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये यीशु मसीह हो सकता है, इसलिए वो पूछता है, तो कौन है प्रभु? है ना, क्योंकि प्रभु ने कहा, हे सॉल तो मुझे क्यों सताता है। आपको ध्यान है कि पौलुस इस समय दमिश्क में था। दमिश्क सीरिया की आज राजधानी है, यानी वो सीरिया देश में था। इज़राइल से, यरूशलेम से वो लिखित ऑर्डर लेके गया था कि जो जो यहूदी और नगरों में हैं, फॉरेन सिटीज में, बाहर के शहरों में, जिन जिन यहूदियों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और मसीही बने हैं, उनको पकड़ पकड़ कर, घसीट कर वो यरूशलेम ले जाने के लिए आया था, महायाजक के पास, ताकि उनको सजा दी जाए। वैसे ही जैसे स्टिफनुस को निंदा के कारण, मतलब जो इल्जाम उस पर लगाया गया था निंदा का, और उसको प्राण दंड दिया था, उसको पत्थरवा करके मार दिया था, वैसे ही बाकी यहूदियों को भी जिन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु पर, उनको सताया जाए, प्राण दंड दिया जाए। देखिए, इस अध्याय में मैं मान के चलता हूं कि यह अध्याय हम सबने पढ़ा है, इसके बारे में सुना है, भाइयों के द्वारा संदेश सुने हैं, लेकिन कुछ बातें इसमें मनन के लिए आज मैं देखना चाहता हूं। आज संडे मैंने कलीसिया में इसी पर वचन दिया था, तो ये वचन फ्रेश है मेरे मन में, और इसलिए मैं इसी पर थोड़े थॉट्स आज शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि पौलुस बहुत क्रूरता के साथ कलीसिया पर उपद्रव कर रहा था। मैं कुछ आयतें आपके सामने बताऊंगा, प्रेरितों के काम 8 उसकी 3 या एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, मैं इंग्लिश से हिंदी में कर रहा हूँ, तो साधारण हिंदी है और आपको बात समझ में आ जाएगी। और प्रेरितों के काम 8:3 में लिखा है, और सॉल जिसने कलीसिया पर ऐसा हमला किया कि घर घर में जाकर, और क्या पुरुष या स्त्री, उनको
खींचकर बंदीगृह में डाल देता था। फिर पहला कुरिन्थियों 15:9 में पौलुस कहता है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं और योग्य भी नहीं हूं कि प्रेरित कहलाया जाऊं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया है। प्रेरितों के काम 22 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, और मैंने इस मार्ग को या इस मार्ग पर विश्वास करने वालों को मृत्यु तक सताया, उनको बांधकर खींचकर पुरुष और स्त्री दोनों को जेलों में बंदीगृह में मैंने उनको डलवाया। फिर प्रेरितों के काम 26 अध्याय की 9 से 11 में लिखा है कि मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं यीशु नाजरी के नाम के विरुद्ध बहुत कुछ करूंगा, और मैंने ऐसा यरूशलेम में किया और बहुत सारे पवित्र संतों को मैंने बंदीगृह में डलवा दिया और महायाजकों से अधिकार लिया, और जब वो उन पर मृत्यु दंड दिया जाता था तो मैंने अपनी सम्मति उनके विरुद्ध दी और आराधनालयों में जाकर उनको सजा दी और उनसे कुफ्र या निंदा बकवाई यानी टॉर्चर करके उनसे निंदा करवाता था उनके मुंह से, और उनके विरुद्ध अधिक पागलों की तरह मैं पीछे पड़ा और बाहर के नगरों में जाकर भी मैंने उनको सताया। इंग्लिश में लिखा है एक्सीडिंगली मैड अगेंस्ट देम, मतलब भयंकर पागलों की तरह मैं उनके पीछे पड़ गया था। प्रेरितों के काम 22 अध्याय की 20 आयत में लिखा है, और जब तेरे शहीद तेरे गवाह स्टिफनुस का खून बहाया गया तो मैं वहीं खड़ा था और उसकी मौत के लिए सम्मति दे रहा था, और जो उसको पथरवा कर रहे थे उनके कपड़े में संभाल रहा था। ये पौलुस प्रभु से बातचीत में कहता है। तो हमें पता चलता है कि इन सारे वचनों को देखकर कि पौलुस कितनी बुरी तरह कलीसिया को सता रहा था। सिर्फ स्तिफनुस का खून उसके हाथ पे नहीं लगा था, और भी विश्वासियों को उसने मरवाया था। कई बहनें विधवा हो गई थी, कई बच्चे पिताहीन हो गए थे, शायद अनाथ हो गए थे। पौलुस के इस पागलपन के क्रोध से, लेकिन प्रभु इस सारी सिचुएशन को देख रहा था, है ना। मुझे लगता है कि इतना सब प्रभु ने क्यों अलाव किया। पौलुस कहता है गलतियों 1 अध्याय में कि परमेश्वर ने मेरी माता के गर्भ से मुझे अलग किया। परमेश्वर ने मेरी माता के गर्भ से मुझे अलग किया। इफिसियों 1 अध्याय में कहता है उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना कि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष पाए जाए। तो जो प्रभु ने उसको चुन रखा था जगत की उत्पत्ति से, माता के गर्भ से, तब भी ऐसा क्यों रहा हुआ हो? इस प्रकार का उपद्रव, इस प्रकार का पागलपन, इतने विश्वासियों को उसने मरवा दिया, है ना। मैं सोचता हूं कि जो चुने हुए लोग होते हैं एक प्रभु की सुरक्षा उनके साथ होती है, चाहे उनका उद्धार भी नहीं हुआ है। मुझे ऐसे लगता है कि एक स्वर्गदूत प्रभु उनकी रक्षा के लिए रखता है उद्धार के दिन तक। उसके बाद तो वो सुरक्षित है ही, लेकिन उद्धार के दिन तक भी एक स्वर्गदूत उनकी रक्षा करता है। और इसलिए शैतान इस बात को देख पाता है कि प्रभु का चुना हुआ है, तो ऐसे चुने हुए लोगों पर शैतान टूट कर पड़ता है
और इसलिए पौलुस भी बहुत शैतान की शक्ति के साथ कलीसिया के ऊपर टूट पड़ा था, और प्रभु ने धीरज धर रखी थी, है ना। आप ये सोचो कि ये जब ऑर्डर लेके आ रहा था दमिश्क में, तो ऐसा नहीं था कि विश्वासियों को मालूम नहीं था कि पौलुस नाम का एक या तरसुस के सॉल के नाम का एक व्यक्ति हम लोगों को सताने, पकड़ने, खींच कर ले जाने के लिए आ रहा है। आप उनका भय समझ सकते हो। अननियास खुद कहता है, जब प्रभु उसको कहता है कि तू जाकर यहूदा के घर में जाकर जिस गली सीधी कहलाती है उसमें, वहां पर सॉल पर हाथ रखकर प्रार्थना कर ताकि उसकी अंधी आंखें ठीक हो जाए। तो अननियास क्या कहता है, प्रेरितों के काम 9:13-14 में, तब अननियास ने कहा, हे प्रभु, मैंने कईयों से इस मनुष्य के बारे में सुना है कि उसने कितनी बुराई तेरे संतों के साथ यरूशलेम में की है और अब महायाजकों के से अधिकार लेकर यहां पर उन सबको बांधने के लिए या ले जाने के लिए जो तुझ पे विश्वास करते हैं आया है। मतलब तेरे विश्वासियों को बांध कर ले जाने के लिए आया है। यानी पहले से अनानियास जो दमिश्क की कलीसिया में एक विश्वासी था, ऐसा लगता है एल्डर था, अगुआ था, उसको ये बात मालूम थी, है ना। और पौलुस भी पूरी तैयारी के साथ दमिश्क जा रहा था और प्रभु कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु का समय हमारे समय के अनुसार नहीं होता। पौलुस के बढ़ते हुए कदम को कोई रोक नहीं सकता था, उसके पास रिटन लिखित अथॉरिटी थी, जवान आदमी था, बहुत फुर्तीला था, ताकतवर था और जुनून चढ़ा हुआ था कि विश्वासियों को, यहूदी विश्वासियों को मुझे खत्म करना है, इस मत को खत्म करना है, ये निंदा करने वाले लोग हैं। और प्रभु ही उसको रोक सकता था, और प्रभु ने कैसे रोका, है ना। प्रभु ने कह सकते हैं कि अपना चेहरा उसे दिखाया, जो साधारण शब्दों में कहेंगे, अगर अगर स्वर्ग में खिड़की होती है, है ना, प्रभु का जो सिंहासन का कमरा है अगर उसमें खिड़की है, तो प्रभु ने खिड़की खोली और बाहर झांक कर देखा पौलुस को, और वहीं पौलुस गिर पड़ा। खैर ये मैं एक वैसे बता रहा हूं, बिब्लिकल नहीं है, लेकिन हाँ ये सच बात है कि प्रभु ने उसकी तरफ देखा, उस पर एक रोशनी पड़ी। प्रेरितों का काम 9:3 में वो कहता है, वो लिखा है वचन में, और जैसे वो यात्रा कर रहा था वो दमिश्क के पास पहुंचा और एकाएक एक रोशनी आकाश से उसके चारों ओर चमकी। देयर शाइन राउंड अबाउट हिम अ लाइट फ्रॉम हेवन, एक रोशनी चमकी। रोशनी तो हमारे यहां भी चमकती है, लेकिन ये रोशनी कैसी थी। 22:6 में प्रेरितों के काम में पौलुस अपनी गवाही में कहता है कि ऐसा हुआ जब मैं यात्रा कर रहा था और दमिश्क के पास दोपहर के समय पहुंचा तो आकाश से मेरे चारों ओर एक बड़ी रोशनी चमकी। वो सिर्फ रोशनी नहीं थी, क्या रोशनी थी, बड़ी रोशनी थी। फिर एक और गवाही में पौलुस प्रेरितों के काम 26:13 में कहता है कि हे राजा, दोपहर को मैंने आकाश से या स्वर्ग से मार्ग में एक ऐसी रोशनी देखी जो सूरज के तेज से भी बढ़कर थी।
I saw in the way a light from heaven above the brightness of the sun. मेरे चारों ओर चमक रही थी और वो जो मेरे साथ थे, यानी सिर्फ वो रोशनी नहीं थी, वो बड़ी रोशनी थी। और कितनी बड़ी थी? दोपहर के सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज थी। और ये सिर्फ प्रभु यीशु का चेहरा हो सकता है। तो प्रभु ने उसको देखा और पौलुस जमीन पर गिर पड़ा। हमें मालूम है वो अंधा हो गया, है ना। 3 दिन तक वो अंधा रहा। लेकिन मैं सोचता हूं प्रभु का देखना पौलुस को, पौलुस की ओर, पौलुस का उद्धार हो गया। मैं इस बात को एक शीर्षक देना चाह रहा था तो मैंने लिखा इसमें लुक ऑफ सेल्वेशन, द लॉर्ड्स लुक ऑफ सेल्वेशन। प्रभु ने, प्रभु के उद्धार की नजर, प्रभु ने उसको देखा और उसका उद्धार हो गया। क्योंकि 9 अध्याय में ही पौलुस का उद्धार हो जाता है। निर्गमन 14 अध्याय की 24 आयत में अगर आप देखो तो लाल समुंदर की घटना है और तब मिस्री लोग इज़राइल की मंडली के पीछे पड़े हुए हैं उनके रथों और घोड़ों के साथ। ये बड़े सामर्थी रथ होते थे और जब ये इनके पीछे पड़े और ये इज़राइल के लोग लाल समुंदर से निकल रहे थे तो लिखा है 14 अध्याय की 24 आयत में कि ऐसा हुआ कि सुबह के समय यहोवा ने उन मिस्रियों की सेना को देखा उस आग और बादल के खंभे में से और उनकी सेना को तंग किया। उनके रथ के पहिए निकल गए और फिर लाल समुंदर वापस आ गया और वो सारे डूब गए, मर गए। लिखा है यहोवा ने आग और बादल के खंभे से देखा। और ये प्रभु की पलटा लेने वाली नजर है। प्रभु ने इनसे पलटा लिया, द लुक ऑफ वेंजेंस। फिर हम देखते हैं लूका 22 अध्याय उसकी 61 और 62 आयत में जब मुर्गा दूसरी बार बांग देता है तो उस समय लिखा है कि प्रभु ने घूम कर पतरस की ओर देखा। द लॉर्ड टर्न एंड लुक्ड अपॉन पीटर। और पतरस ने प्रभु के वचन को याद किया कैसे उसने कहा था कि मुर्गे की बांग देने से पहले तो मुझे 3 बार मेरा इनकार करेगा। और पतरस बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु ने पतरस की ओर देखा और पतरस फूट फूट कर रोने लगा, है ना। ये वो घटना थी जब पतरस लौट कर आया प्रभु के पास। एक तौर से बैकस्लाइड हो गया था, 3 बार इनकार कर चुका था, है ना। प्रभु को रिस्टोर करना पड़ा उसको। 3 बार प्रभु ने पूछा उसके बाद में, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। तो ये प्रभु के वापस ले आने वाली नजर है, द लुक ऑफ रेस्टोरेशन। मरकुस 8:33 में घटना है कि जब पतरस प्रभु को कहता है कि प्रभु तू क्रूस पर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा तेरे साथ। तो लिखा है 8:33 मरकुस में कि उसने घूम कर चेलों को देखा और फिर पतरस को डांटा, मेरे पीछे होले शैतान, तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्य की चीजों की चिंता करता है। प्रभु ने चेलों की तरफ देखा और पतरस को डांटा, ये क्या बात हो गई? जब पतरस को डांटना था तो पतरस की तरफ देखता, लेकिन प्रभु ने चेलों की तरफ देखा और फिर पतरस को डांटा। मानो प्रभु ये कह रहा है कि पतरस मेरे इन चेलों को देख,
अगर मैं तेरी बात सुनूं और क्रूज पर ना जाऊं तो मेरे इन चेलों का क्या होगा? अगर ये है और अगर ये बने रहेंगे तो ये सिर्फ मेरे क्रूस के बलिदान के कारण बने रहेंगे। मेरा बलिदान ही है जो इनको नाश होने से बचाएगा। तो इसलिए पत्रस, तू जो बात कर रहा है वो शैतान की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, है ना? ये प्रभु की चिंता की नजर है, द लुक ऑफ कंसर्न। तो हम देख रहे थे कैसे प्रभु ने पौलुस पर अपनी नजर डाली, अपना चेहरा दिखाया और पौलुस के जीवन में उद्धार का काम शुरू किया, है ना? मैं सोच रहा था कि क्या पौलुस ने क्या कभी यशायाह 53 नहीं पढ़ा होगा? निश्चित रूप से पढ़ा होगा। भजन 22 नहीं पढ़ा होगा? निश्चित रूप से पढ़ा होगा। ये दो हिस्से ऐसे हैं जो बहुत साफ रीति से दुख उठाने वाले मसीहा के बारे में बात करती है पुराने नियम में। लेकिन पौलुस पढ़ नहीं पाया, मतलब पढ़कर उन बातों को समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? तो क्यों अंधा था, है ना? वास्तविक रूप से, आत्मिक रूप से अंधा था, इसलिए पढ़ के भी समझ नहीं पा रहा था। ऐसा भी नहीं था कि वो बाइबल अच्छी तरह नहीं जानता था, बाइबल बहुत अच्छी तरह जानता था, पुराना नियम आई भी। वो कहता है व्यवस्था के अनुसार मैं दोष रहित हूं, दोष रहित था। यानी व्यवस्था अगर के नियम में दिखाया जाए और मेरे जीवन को रखा जाए तो उन नियम को मैंने किसी को भी नहीं तोड़ा था। लेकिन जब यशायाह 53 उसने पढ़ा तो उसको समझ नहीं आया कि ये उस यीशु मसीह के बारे में है जिसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, या जो हमारा आने वाला मसीहा था। तो उसकी आंखें खुली नहीं थी, उसकी आत्मिक आंखें अंधी थी। और प्रभु ने जब अपना दर्शन उसे दिया तो वो शारीरिक रूप से भी अंधा हो गया। और जब शारीरिक रूप से अंधा हुआ, उसी समय जो प्रभु की आवाज सुनी उसने, कह सकते हैं कि वो आत्मिक रूप से देखने लगा। और फिर प्रभु अनानियास को भेजता है और अनानियास उसके लिए प्रार्थना करता है और पौलुस देखने लगता है ना? देखिए, जब पौलुस उस जमीन पर गिर के अंधा हो गया तो लोग उसकी मदद करके उसको उस यहूदा के घर में ले गए और वहीं पर वो 3 दिन तक बिना खाए बिना पिए वो स्थिति में रहा। 3 दिन तक। क्या उसको किसी ने खाना ऑफर नहीं किया होगा? निश्चित रूप से खाना ऑफर किया होगा। लेकिन ये वो 3 दिन थे जो पौलुस ने भारी पश्चाताप में बिताए, भारी पश्चाताप, ना खाया ना पिया। उसको सारे अपने उपद्रव, अपना सतावन जो उसने विश्वासियों के प्रति किया, जो हत्याएं उसने करवाई, जो घर उसने बर्बाद किए, उसको सब याद आया। पवित्र आत्मा ने भारी रीति से उसकी आत्मा पर कन्विक्शन, कायलता लाई। और जबकि ये लिखा नहीं है कि उसने वहां पर पश्चाताप किया, लेकिन मैं सोचता हूं उस 3 दिन में उसने भारी पश्चाताप किया। प्रभु यीशु पर विश्वास अब कर लिया था, लेकिन ये 3 दिन उसने पवित्र आत्मा की उपस्थिति में गहरा, जेन्युइन, सच्चा पश्चाताप किया। और मैं सोचता हूं जिसका जितना गहरा पश्चाताप होता है उतना उसका जीवन, आत्मिक जीवन और सुंदर होता है, फलवंत होता है, उपयोगी होता है ना? सुना है कि जब भाई बिली ग्रहम ने सुसमाचार सुना और उनका उद्धार हुआ तो 24 घंटे तक, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है, सुना है,
24 घंटे तक उसने तक उन्होंने तकिए पे मुंह रखकर वो रोता रहा अपने पापों के लिए। मैं सोचता हूं सुसमाचार का जो बीज है वो अविनाशी है। जब पहली बार वो एक पापी के दिल में या दिल की भूमि पर पड़ता है तो उस बीज को पानी चाहिए होता है, और मैं सोचता हूं वो पश्चाताप के आंसू, वो सच्चा पश्चाताप ही उस बीज को सींचता है और प्रभु फिर बढ़ाता है। तो हम देखते हैं पौलुस ने भारी पश्चाताप किया। मुझे दाऊद याद आता है ना, और जब बाथशीबा का के द्वारा जो उसको पहला बच्चा था वो पैदा हुआ और प्रभु ने कहा कि नतान के द्वारा कि बच्चा मर जाएगा, तो दाऊद 7 दिन तक भूमि पर बिना खाए बिना पिए लेटा रहा, ये प्रार्थना करता रहा काश प्रभु ये बच्चा बच जाए, पाप मेरा था इस बच्चे का नहीं था। लेकिन प्रभु ने कह दिया था कि ये बच्चा जो तेरा होगा वो मर जाएगा। लेकिन दाऊद के पश्चाताप को देखो, उसके टूटेपन को देखो। खैर 8 से 10 महीने उसने अपने आप को कठोर कर दिया था, लेकिन प्रभु ने जब वो पश्चाताप का तीर उसके दिल में मारा नतान की बात के द्वारा कि तू वो मनुष्य है, तो दाऊद ने कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, आई हैव सिन्ड, है ना। और फिर मैं सोचता हूं इसका पश्चाताप प्रभु ने ऐसा ग्रहण किया कि उसी बाथशीबा के द्वारा प्रभु ने उसे सुलेमान दिया, है ना, जिसको इतनी महिमा और कीर्ति दी कि प्रभु यीशु खुद कहता यहां पर वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, है ना। तो प्रभु मुझे और आपको दाऊद और पौलुस जैसा पश्चतापी मन दे। देखिए जब वो इस स्थिति में था उस समय प्रभु अननियास से बात कर रहा था। अननियास को प्रभु कहता है अननियास तू फलाने यहूदा के घर में जा जो सीधी नाम की गली में रहता है और वहां पर तुझे व्यक्ति मिलेगा और तू उसके लिए तू उस पर हाथ रखेगा, मैं पढ़ दूं उसको। लिखा है प्रेरितों के काम 9:10 में, और एक चेला था दमिश्क में जिसका नाम अननियास था, और प्रभु ने दर्शन में उसे कहा हे अननियास, उसने कहा हां प्रभु मैं यहां हूं। प्रभु ने कहा उठ और उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और एक यहूदा के घर में जाना और वहां पर तर्शिश का सॉल है, देख वो प्रार्थना कर रहा है, और उसने दर्शन में देखा है कि एक व्यक्ति जिसका नाम अनानियास है उसके पास आता है और अपना हाथ उस पर रखता है ताकि उसकी दृष्टि उसे वापस मिल जाए। तो प्रभु ये बात अनानियास से कर रहा था कि तुझे ऐसे जाना है उसके पास, है ना। और प्रभु क्या चिन्ह देता है उसको, पहले तो एड्रेस बताता है मकान नंबर और गली, है ना, और फिर क्या कहता है प्रभु, प्रभु कहता है देख वो प्रार्थना कर रहा है, बिहोल्ड ही प्रेत। वो चिन्ह था कि तू पहचानेगा कैसे उसको, तरसुस के सॉल को पहचानेगा कैसे, जब यहूदा के घर में जाएगा तो कैसे पता चलेगा कौन सा सॉल है और कौन सा यहूदा है। सॉल वो है जो प्रार्थना कर रहा है ना। तो मैं सोचता हूं प्रभु ने कोई शारीरिक चिन्ह नहीं दिया कि वो सफेद कुर्ते में होगा या उसकी लंबी यहूदियों वाली दाढ़ी होगी, प्रभु ने कहा देख वो प्रार्थना कर रहा है ना। प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन की सांस है। जैसे शारीरिक क्षेत्र में जब बच्चा पैदा होता है
सांस अपने आप लेता है, उसको कोई डॉक्टर या नर्स सिखाती नहीं है पैदा होते है कि भाई सांस ले तू, वो सांस लेता है, वो माँ के पेट से ही सांस लेता है। वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में जब एक पापी नया जन्म पाता है, उद्धार पाता है, तो प्रार्थना उसकी सांस है। प्रार्थना उसको कोई सिखाता नहीं, वो अपने आप ही दिल में प्रभु से बात करना शुरू कर देता है ना। और इसलिए प्रभु उसको कहता है देख वो प्रार्थना कर रहा है। कई बार ये भी होता है कि कलीसिया में, मंडलियों में कई लोग आते हैं, कुछ लोगों के बारे में बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, अरे इसका उद्धार हुआ नहीं हुआ, कैसे पता चलता है उद्धार हुआ नहीं हुआ, सिर पे तो नहीं लिखा होता है ना। लेकिन एक दिन आएगा जब हमारे माथे पे लिखा होगा पिता का नाम। इसलिए माथा साफ रखना चाहिए हमेशा, भाइयों को और बहनों को, माथे पे कुछ नहीं होना चाहिए, कोई बिंदी, कोई ऐसी चीज, या तीन वो लगा लेते हैं साउथ इंडिया में, कुछ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस माथे पर पिता का नाम लिखा हुआ है। तो कैसे पता चलता है विश्वासी, कैसे ये व्यक्ति विश्वासी है या नहीं है? प्रभु का वचन पहला यूहन्ना 4 में कहता है कि हे प्रियो, हर आत्मा पे विश्वास ना करो, परंतु ये परख कर देखो कि ये आत्मा प्रभु की ओर से है या नहीं। बिलवेड बिलीव नॉट एवरी स्पिरिट बट ट्राई द स्पिरिट्स विद द देयर ऑफ गॉड। पहला तिमोथियस 5:22 में पौलुस तिमोथियस से कहता है किसी आदमी पर भी अपने हाथ एकदम ना रख देना, ना किसी और के पाप का सहभागी होना, अपने आप को पवित्र रखना। तो प्रभु अनानियास को कहता है देख, पौलुस को जब तू देखेगा उसको प्रार्थना करता हुआ पाएगा। एक व्यक्ति जब उद्धार पा जाता है तो उसके जीवन में कुछ आत्मिक फल नजर आते हैं, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आत्मिक गुण कह सकते हैं, पवित्र आत्मा के कुछ गुण उसके जीवन में पाया जाता है। सबसे पहला है प्रार्थना, दूसरा है उसको वचन के लिए एक भूख और प्यास होगी, उसको वचन पढ़ने की, वचन के बारे में जानने की, वचन के सवाल होंगे उसके पास, उसको वचन सुनना अच्छा लगेगा, मरियम की तरह जो प्रभु के चरणों पर बैठती थी, है ना। और तीसरा उसको संगति अच्छी लगेगी। और भी चीजें हैं लेकिन ये तीन फंडामेंटल चीजें हैं। उसको प्रार्थना अच्छी लगेगी, प्रार्थना करेगा वो, प्रार्थना पे उसका विश्वास आएगा, उसको वचन अच्छा लगेगा और उसको संगति अच्छी लगेगी। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है अगर हम ज्योति में चले जैसे वो ज्योति में है तो हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर हम ज्योति में हैं जैसे वो ज्योति में है, यानी हमारी प्रभु के साथ संगति है। अगर प्रभु के साथ हमारी संगति है तो हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। अगर हमारा वर्टिकल रिलेशन ठीक है तो हमारा हॉरिजॉन्टल रिलेशन भी ठीक होगा, हमें संगति अच्छी लगेगी। जिसका वर्टिकल ठीक नहीं होता वो संगति से दूर भागता है, उसको बहुत सारे बहाने मिलते हैं संगति से दूर रहने के, है ना। मुश्किल आती है, ऐसा नहीं कि हर संडे, ऐसे भी लोग हैं जो हर संडे मिस नहीं करते, लेकिन कभी हो जाता है किसी का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो, कोई गवर्नमेंट ड्यूटी लग जाती है तो संडे मिस हो सकता है। लेकिन एक विश्वासी संगति छोड़ने से बहुत उसको दर्द होता है, वो इतना जुड़ा हुआ होता है प्रभु के घर की संगति से, है ना, क्योंकि उसका जीवन रोशनी में है। लेकिन जो नहीं है, जिस विश्वासी का जीवन अंधकार में चल रहा है, उसको बहुत सारे उसके पास कारण होंगे संगति से दूर रहने के। ये साफ जाहिर है कि उसके जीवन में गड़बड़ है, या तो उसका उद्धार नहीं है या उसके जीवन में कोई पाप आ गया है। तो पौलुस अनानियास से कहता है देख वो प्रार्थना कर रहा है ना। दूसरा हम देखते हैं कि अनानियास जब प्रभु से कहता है कि प्रभु ये तो आदमी बड़ा टेररिस्ट सा है,
यरूशलेम में देखो कितनी बुराई करी और अब हमें भी मारने को आ रहा है। तो हम सोचते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों को देखते हैं, हम 9 अध्याय में ज़्यादातर पौलुस पे फोकस करते हैं। अगर अनानियास के थोड़ा हम उसके बारे में सोचें तो अनानियास लिखा है ही वॉज अ सर्टन डिसाइपल, वो चेला था, है ना, विश्वासी सिर्फ नहीं था लेकिन वो चेला था। मैं सोचता हूँ दमिश्क की कलीसिया का वो एल्डर था, है ना। बाइबल में हम एल्डर्स देखते हैं, एल्डर्स और डीकन्स, ऐसे शब्द नहीं है नए नियम में रिस्पॉन्सिबल भाई, एल्डरली भाई या सर्वेंट ऑफ गॉड, ऐसे शब्द नए नियम में नहीं है। नए नियम में एल्डर्स है, डीकन्स है, चेले हैं, विश्वासी हैं, है ना। तो अनानियास, मेरी सोच है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये दमिश्क की कलीसिया का एल्डर लगता है या प्रभु की सेवा करने वाला एक एक्टिव विश्वासी लगता है। हो सकता बाइबल टीचर हो सकता है वहाँ का चरवाह हो, इवेंजलिस्ट हो, है ना, जो भी वरदान प्रभु ने कलीसिया को दिए हैं। तो प्रभु जब उसको कहता है तो सॉल के पास जा, उस पर हाथ रख, वो दृष्टि पाएगा, तो प्रभु से कहता है प्रभु ये आदमी तो गलत आदमी है, किसके पास भेज रहे हो आप मुझे, मतलब उसके कहने का अर्थ ये था। तो प्रभु ने कहा वो मेरा, तू जा, मेरा चुना हुआ पात्र है और मेरे नाम को राजाओं को बड़े स्थानों में और अन्य जातियों के पर प्रकट करेगा। तो अनानियास को प्रभु ने कहा देख अनानियास, तेरे कुछ भी विचार क्यों ना हो, इस बात को समझ ले वो पौलुस, वो तरसुस का सॉल मेरा चुना हुआ पात्र है, फुल स्टॉप। तुझे आदर दे रहा हूं कि तू जाकर उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा और वो दृष्टि पाएगा। अब सॉल जब आ रहा था दमिश्क, तो आपको क्या लगता है सॉल को मालूम नहीं होगा यहां का एल्डर या ये चेला अननिया से इसको खत्म करना है, बहुत बन रहा है ये, इसको खत्म करना है। तो ये पौलुस भी पूरी तैयारी से आ रहा था अनानियास को सताने के लिए, खत्म करने के लिए स्तिफनुस की तरह, और देखो प्रभु ने उसको बढ़ते हुए कदम को एक झलक दी प्रभु ने और वो गिर गया, उद्धार हो गया। और प्रभु ने पौलुस को भी दिखा दिया देख अब कौन आएगा तेरे पास, अनानियास आएगा, जिसको तू मारना चाह रहा था, जिसको तू सताना चाह रहा था, बांध के ले जाना चाह रहा था, जिसका तू तमाशा बनाना चाह रहा था महायाजकों के सामने, अब वही आकर तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तब तू दृष्टि पाएगा, है ना। और अनानियास को कहा देख समझ ले ये मेरा चुना हुआ पात्र है। तो दोनों के दिलों में पवित्र आत्मा ने काम किया। कैसे? प्रभु दिलों की दूरी को, दो व्यक्तियों के बीच में दीवार को हटाता है। और देखो आप ये समझो कि पौलुस जैसा जो इतना स्फूर्तिला और झनूनी व्यक्ति अब अंधा बैठा है, है ना, जो मतलब आप ये समझो सडनली जो अंधा हो जाए, वो 3 दिन ही हुए थे वो अंधा हुआ है, तो कैसे टटोल टटोल कर वो उसकी हालत होगी। तो अनानियास ने जब उसको देखा तो अनानियास के मन में भी दया भर गई, दया आ गई पौलुस पर, और उसे क्या कहता है भाई सॉल, प्रभु ने नहीं कहा था उसे भाई कहना, लेकिन वो क्या कहता है ब्रदर सॉल, कि उस यीशु ने जो तुझे प्रकट हुआ था मुझे भेजा है, है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो कहता है हैज सेंट मी, मुझे भेजा है। और वो पॉल पर या सॉल पर हाथ रखता है और उसके आंख पे से मानो छिलके गिर जाते हैं और पौलुस देखना शुरू करता है, और लिखा है फिर वो खाना खाता है और सामर्थ पाता है, उसके बाद की कहानी हमें मालूम है ना। तो देखते हैं कि कैसे प्रभु कार्य करता है। अनानियास अवेलेबल था प्रभु के लिए, मौजूद था, इसलिए प्रभु उसको भेज सका,
ना, वो कहता है प्रभु ने मुझे भेजा है, यीशु ने मुझे भेजा है। यशाया को प्रभु पूछता है, यशाया की उपस्थिति में प्रभु पूछता है कौन जाएगा। यशाया कहता है प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे भेज। यूहन्ना 1:6 में लिखा है, इंग्लिश में बहुत सुंदर है, देयर वॉज अ मैन सेंट फ्रॉम गॉड हुज नेम वॉज जॉन। एक मनुष्य भेजा गया परमेश्वर की ओर से जिसका नाम यूहन्ना था। ये कहां लिखा है? यूहन्ना के सुसमाचार में। किसने लिखा है? यूहन्ना प्रेरित ने। क्या लिखता है? एक मनुष्य परमेश्वर ने भेजा जिसका नाम यूहन्ना था। हमें कैसे पता चले कौन सा यूहन्ना था? प्रेरित था या बपतिस्मा देने वाला था? लेकिन यूहन्ना जानता था कि जब मैं यूहन्ना लिखूंगा सब जानेंगे कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। उसकी नम्रता थी। खैर, पवित्र आत्मा ने ही लिखवाया, लेकिन हम इस बात को देख सकते हैं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी परमेश्वर ने भेजा है ना। अनानियास, हमें नहीं पता उसके बारे में, बहुत डिटेल्स नहीं मालूम, लेकिन वो प्रभु के लिए अवेलेबल था, मौजूद था। आप प्रभु के लिए अवेलेबल होगो, प्रभु आपको भेजेगा, है ना। चुना हुआ पात्र हो आप, पवित्र जीवन बिताएं, पवित्र पात्र बने, प्रभु निश्चित रूप से आपको उपयोग करेगा। क्या पता आप इस समय के पौलुस बन जाओ कलीसियाओं के लिए, है ना। प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। डीएल मूडी को इसी बात ने चैलेंज किया था, है ना। वो जूते बेचता था, उद्धार हो गया था, शायद मेरे और आप जैसा ही था। लेकिन एक शाम को उसने सुना कि द वर्ल्ड इज येट टू सी व्हाट गॉड कैन डू थ्रू अ मैन टोटली कमिटेड टू हिम। संसार ने अब तक नहीं देखा है परमेश्वर क्या कुछ उस व्यक्ति के द्वारा कर सकता है जो पूरी तौर से प्रभु के लिए समर्पित हो। और प्रभु ने उस शताब्दी में डीएल मूडी को सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक बनाया। तो प्रभु का नाम महिमा पाए, प्रभु आपको आशीष दे, फिर मिलेंगे।